गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है सब कुछ? आज एट लास्ट बहुत दिनों के बाद घर से निकलने का मौका मिल रहा है और हम घर से निकल के जा रहे हैं एग्जीबिशन देखने के लिए। यहाँ करीमनगर में ना एक एक्वा एग्जीबिशन लगा हुआ है, तो सोचा चलो देख करके आ ही जाते हैं। यहाँ पे सुनने में आ रहा है कुछ स्पेशल है अंदर में, तो अंदर जाकर के मालूम चलेगा। और फाइनली हम लोग को दिख गया है, हम लोग जस्ट रोड के अपोजिट में लगा हुआ था ये एग्जीबिशन। बस फटाफट से हम लोग वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। ये लोग ने इतना अच्छा डिजाइन बना के रखा था बाहर, देखो एकदम शार्क का बड़ा बड़ा तीत दिख रहा है, सब कुछ फिशी फिशी ही लग रहा है यहाँ पे। मंचू, शार्क है यहाँ पे, शार्क। अगर कोई करीमनगर में ये एग्जीबिशन आना चाहता है ना, तो यहाँ पे करीमनगर डायरी है, उसके जस्ट बगल में ये एग्जीबिशन लगा हुआ है। सबका 100 रुपीज़ है, बच्चों का भी बड़ों का भी, सबका टिकट का दाम 100 रुपीज़ है। तो हम लोग जा रहे हैं बस अंदर अंदर में। यहाँ पे पूरा जो नहीं होती है परियां, मरमेड, उनका सारा फोटोज लगा हुआ था। तो वंशु को देख, मतलब वंशु देख करके इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ये सब कि मैं क्या बताऊँ। अब हम लोग मेन थीम पार्क, मतलब थीम एग्जीबिशन में अंदर घुस रहे हैं। और यहाँ पे पता नहीं अजीब सी लाइट आ रही थी, और यहाँ से ही एक्वेरियम का स्टार्ट होता है। इतने सारे एक्वेरियम थे, इतनी प्यारी प्यारी फिशेस थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे ना फिलहाल कुछ ज़्यादा ही फिश पसंद है। और यहाँ पे ना रंग बिरंगी हर एक तरह की फिश देखने को मिल रही थी, और पता नहीं क्यों बहुत अच्छा, मतलब एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं जब ऐसे फिश को देखते हैं। पता नहीं आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। ये वाली फिश ना देख के डेंजर लग रही थी, लेकिन कोई डेंजर नहीं थी। और पता नहीं ये कौन सा फिश था जो कि हिल ही नहीं रहा था, बस नीचे ही बैठा हुआ था, कुछ भी नहीं कर रहा था। ये तो झींगा मछली है, ये तो पता है मेरे को, लेकिन झींगा मछली का भी कुछ कलर ही अलग दिख रहा था। और मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम स्टार फिश देखा है। और जस्ट स्टार फिश के बगल में ना एक स्नेक फिश थी, और सच में ये स्नेक जैसा ही कर भी रही थी और दिख भी रही थी। अब हम लोग जा रहे हैं करीमनगर के सिंगापुर में। जी हाँ, ये है वाटर टनल, और इतना खूबसूरत दिख रहा था। आप चलते जाओ, आपके सर के ऊपर मछलियाँ तैर रही है, बाजू मतलब कोने कोने पे तैर रही है, और पूरा वाटर ऊपर से नीचे तक इतना खूबसूरत था ये। मतलब आप ये देख के ही अंदाज़ा लगा पा रहे होगे, एकदम क्लियर। और यहाँ पे भी एकदम कलरफुल फिश, हर तरह के फिश। इतना लंबा चौड़ा टनल था ना, मैं सच बताऊँ ना तो मैंने बस ये सिंगापुर वाले फ़ोटोज़ में देखा, या थाईलैंड वाले एक्वा पार्क में देखा है, बस मतलब वहाँ पे ही मैंने फ़ोटोज़ पर देखा है। मैंने ये चीज़ ना रियलिटी में फ़र्स्ट टाइम देखा है, शायद मैं इसलिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड खुश थी ये सबको देख करके। टनल ख़त्म होने के बाद भी कुछ कुछ एक्वेरियम बन के रखे हुए थे। उसके बाद मेला स्टार्ट हो गया था, मतलब जो मेले में सामान वामान होता है ना वो सब लगा हुआ था, खाने का सामान, हर तरह के सामान बिक रहे थे। जब लोग बचपन में ना जाते थे मेला देखने के लिए, तो वहाँ पे लिखा रहता हर सामान 15 रुपया, हर सामान 10 रुपया, तो यहाँ पे भी कई दुकानों में ऐसे ही लिखा हुआ था। तो हम लोग कभी भी यहाँ से बचपन में भी कभी सामान नहीं लिया, यहाँ पे भी नहीं लेते हैं। और ये तो हम लोग का कॉर्नर ही नहीं था, हम लोग बचपन से बस झूला की तरफ ही भागते थे, और अभी भी झूला की तरफ ही भागते हैं। नहीं नहीं, अब भागने वाला काम मंजू का हो गया है, मेरा नहीं हुआ है। आजकल के बच्चे लोग ये टैम्पोलिन देख कर कुछ ज़्यादा ही, मतलब कहाँ चल जाते हैं सातवें आसमान में। ये वंशिका भी देखो मेरी बंदर बन के टैम्पोलिन में चढ़ी। मुझे फिलहाल ये टैम्पोलिन से, मुझे हर एक झूले से अब डर लगने लगा है, पता नहीं क्यों। टैम्पोलिन से उतरने बाद वंशु पूरा ये भी चला झूलेंगे, वो भी चला झूलेंगे, तो लेकिन मैंने पूरा फाइनल कर दिया, तुमको झूला एक ही झूलना है, अपने पापा को लेकर के जाओ, डिसाइड करो कौन सा झूलना है, उसी का टिकट लिया जाएगा और बस उसी को झूलना है और नहीं झूलना है। तो फाइनली वो डिसाइड किया कि वो हेलीकॉप्टर राइड करेगी वो छोटे बच्चों का, लेकिन वो पता नहीं क्यों बहुत बोर हो गई थी वो राइड करके।
इतना मना करने के बाद भी मुझे ये झूला में चढ़ना पड़ा है सिर्फ और सिर्फ वंशु के कारण, क्योंकि वंशु को चढ़ना था इसलिए मुझे चढ़ना पड़ा। मेरे पतिदेव निकी से झूला में नहीं चढ़ते तो वो नहीं चढ़े और मेरे को ही चढ़ा दिए। और बस यहाँ पे ख़त्म होता है ये पूरा एग्जीबिशन मेला। लास्ट में ये झूला लगा हुआ था जिसको मेरे को पता नहीं देख करके एकदम डर लग रहा था, पता नहीं क्या हो गया है। ये मम्मी बनने के बाद ना ये सब गंदे गंदे लक्षण आ गए हैं मेरे अंदर कि मेरे को डर बहुत लगने लगा है झूला से। मेरे को ना ऐसा मन हो रहा था कि फिर से मैं वो एक्वा पार्क देखने चले जाऊँ। मुझे वो टनल ना अभी भी आँख से निकल ही नहीं रहा है वो टनल। आ गए हम लोग एग्जीबिशन से, खाना वाना भी खा लिया है। वहाँ पे कुछ भी नहीं खाए, पता नहीं क्यों यहाँ के लोग ना पापड़ जो खजला होता है ना उसके पीछे पागल है, और वहाँ पे खजला ही खजला खाली मिल रहा था। और लोग वहाँ पे मतलब बेइंतहा पापड़ ही पापड़ खा रहे थे, बाकी कुछ खाने का मन नहीं किया क्योंकि सब कुछ ऑयली 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 दिख रहा था। मिर्ची पकौड़ा था, फिर जाकर के वही सब चीज़ था, और स्वीट कॉर्न मेरे घर में ही रखा हुआ, तो स्वीट कॉर्न क्या खाते। लेकिन बहुत मज़ा आया, मतलब एक एक चीज़ मेरे को स्टार्टिंग से लेकर के वो एक्वेरियम के एंड होने तक मुझे इतना अच्छा लगा है। प्लीज़ अगर आप लोग करीमनगर के हो ना तो प्लीज़ एक बार जा करके विजिट करना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो फिलहाल ताज़ा खबर ये है कि मम्मी अब अचार बनाने वाली है। आम वाम मम्मी ने हल्दी नमक लगा करके सुखा दिया, अभी टेबल पे ही सूख रहा है, मैं दिखा दूंगी आपको। अगर आप करीमनगर से हो तो प्लीज़ 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 जाकर के ये विजिट करो, बहुत मज़ा आएगा। आपके बच्चे को स्पेशली मज़ा आएगा। इस बार क्या, इस बार बहुत स्पेशियस बनाया हुआ, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं, मतलब ठसम ठस वाला चीज़ नहीं है। पहले जब हम लास्ट एग्जीबिशन गए थे ना वो बहुत ठसम ठसम भीड़ वाला चीज़ था, बट इस बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। बहुत अच्छा लगा क्योंकि सब कुछ ना स्पेस देख करके डाला हुआ है सब झूला वहाँ पे, तो मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। चलो फिर, अब मैं बहुत थक भी गई, मेरा गला भी बहुत थक गया, पता नहीं अपने आप फिर बैठना स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन कोई बात नहीं। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और अपना बहुत ख्याल रखना। मिलूंगी मैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना प्लीज 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 बहुत ख्याल रखना। टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टिटा। Feels like love.